गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे, मींस एवरी डे। आज है 28th of November 2022। आइए देखते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन डॉलर इंडेक्स एंड अदर डिफरेंट करेंसी पेयर्स। डॉलर इंडेक्स फ्राइडे में जो क्लोजिंग आया वो है आपका 106.06। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक हम देखेंगे कि आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस एंड बोलिंजर बैंड वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस। यानी आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स 15 नवंबर आउटसाइड द बोलिंजर बैंड था, यानी वॉलिटिलिटी बहुत ही ज्यादा था। अभी इनसाइड द बोलिंजर बैंड लोअर लेवल्स में है, ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप है, लेकिन एक में वॉलिटिलिटी ज्यादा था, अभी वॉलिटिलिटी बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड द वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा सा पुल बैक अपवर्ड कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज 15 नवंबर का पिन बार। ये पिन बार का जो लो है इज गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि ये चाइना वॉल है एंड कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। इसका और एक मतलब ये है कि प्राइस अगर इसके लो के नीचे सस्टेन कर जाता है ऑन एन आवरली बेसिस तो नीचे और भी ज्यादा फॉल हो सकता है, यानी डॉलर इंडेक्स और भी ज्यादा वीक हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ टिल द लो इज प्रोटेक्टेड, तब तक आपका यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड हल्का सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लो के नीचे आवरली बेसिस पे क्लोज देगा, हम एक फर्दर वीकनेस यहाँ पे देख सकते हैं। डॉलर रुपी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में साइडवेज बिहेव कर रहा है। अब पिछले 5 दिन में आप देखोगे 21 नवंबर में क्लोजिंग था 81.69, यानी मंडे को क्लोजिंग था एंड फ्राइडे को जो क्लोजिंग वहीं पे था। विसावी डॉलर इंडेक्स देखते हैं, डॉलर इंडेक्स 21 नवंबर में यहाँ पे था 108 के आसपास, क्लोजिंग था 107.75। वहां से डॉलर इंडेक्स आपका लो तक आया था 105.70 and now at 106.06. That being the case, dollar index में काफी weakness देखा गया। GBP dollar में भी हम अगर देखेंगे, आपका ये candle था 21st November का 1.1808 and Friday का closing है 1.2086, यानी 280 pips का upward momentum। यूरो डॉलर में अगर हम देखेंगे 21 नवंबर का आपका क्लोजिंग था 1.0239 एंड अभी फ्राइडे वाला क्लोजिंग 1.0384, करीबन 150 पिप्स का अपवर्ड मूवमेंट। डॉलर येन में अगर हम देखेंगे 21 नवंबर का क्लोजिंग था 142.11, हायर एज फ्राइडे का क्लोजिंग था 139.14। यहाँ पे आपका 3 बिगीज का डाउन मूव, यानी ऑलमोस्ट ऑल करेंसी पेयर्स में अच्छा खासा मंडे ओवर फ्राइडे में अच्छा खासा डिफरेंस देखा गया, बट डॉलर रुपी में वैसा डिफरेंस है नहीं, दिखा नहीं है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट इट मींस सो मेनी थिंग्स, ऑल दीज आर आवर assumptions। क्या assumptions है कि एक तो है कि रिजर्व बिल्डअप हो रहा है, यानी लोअर लेवल पे बाइंग हो रहा है। दूसरा वाला है कि ऑयल लो लेवल पे है, 83.80 लेवल पे है, तो ऑयल कंपनीज आर बाइंग फॉर देयर पेबल्स। दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज। अभी हमें यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, हमें इंतजार करना है। क्या इंतजार करना है? 82.00 ऑन द हायर साइड एंड 81.50 ऑन द लोअर साइड। ये रेंज जब तक आइदर डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमें डॉलर रुपी
ये ऐसा ही कंसोलिडेट करता जाएगा। दैट बीइंग द केस, अगर 8150 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देता है तो हम एक नीचे की तरफ सेल ऑफ देख सकते हैं। हालांकि फ्राइडे को फॉर शॉर्टर टेन्योर में भी 10 15 20 मिनट या आधा घंटा के लिए ये 45 तक आया था 81.45, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, फाइनली क्लोज हायर दिया, दैट इज एट 81.68। सो ये जो रेंज है 50 पैसे का, 81.50 ऑन द लोअर साइड एंड 82.00 ऑन द हायर साइड, इसके ऊपर डेली क्लोज, ऊपर या नीचे डेली क्लोज देना चाहिए एक डायरेक्शंस में मूव करने के लिए। अगर यहाँ पे हमें डॉलर इंडेक्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलता है इन कमिंग वीक्स, यानी डॉलर इंडेक्स बहुत ही ज्यादा अप मूव नहीं करता है, तो डॉलर रुपी यहीं पे कंसोलिडेट करने का प्रयास करेगा जब तक वो जो बाइंग है, whether it is oil related buying or reserve building exercise or whatever may be the other XYZ reasons, तब तक वो चलता रहेगा, और जब तक वो चलता रहेगा ये इसके नीचे नहीं आएगा। एक बार वो एक्टिविटीज पॉज करते हैं या स्टॉप करते हैं तभी जाके हम डॉलर रुपी वी में एक्सपेक्ट ए मूव टुवर्ड्स 8050 टू 8070। अगर डॉलर इंडेक्स एक जूम करके अपवर्ड कमिंग डेज में हम देखते हैं तो डॉलर रुपी में एक 82.00 के ऊपर एक जाने का एक प्रयास कर सकता है। सो हमें डॉलर इंडेक्स डॉलर रुपी एक क्लोजली क्लोज रिलेशनशिप में अप्रोच करना चाहिए। जीबीपी डॉलर में ये जो फ्राइडे वाला क्लोज था, छोटा रेड कैंडल बनाया हुआ है, इट क्लोज एट 1.2085। आपका ये सेंटर बैंड से काफी दूर में है। व्हाट इट मींस, ये देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि प्राइस में मूव टुवर्ड्स द सेंटर बैंड, ये एक हो सकता है। नहीं तो अगर ये नहीं होता है तो प्राइस कंसोलिडेट करेगा एंड ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर में जाएगा। प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट, नैरो जोन में कंसोलिडेट करेगा, और प्राइस जैसे ही नैरो जोन पे कंसोलिडेट करेगा, ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है ये प्राइस के तरफ जाएगा। इन आइदर केस, आइदर द प्राइस करेक्शन और द टाइम करेक्शन में प्राइस एंड सेंटर बैंड के तरफ नजदीकिया होना चाहिए। जब ये नजदीक हो जाएगा उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नॉन स्टॉप ये हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, यानी बाई डिप्स यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। जीबीपी आईएनआर में सिमिलरली आप देखो एक छोटा बॉडी कैंडल बनाया हुआ है एंड सेंटर बैंड से काफी अवे में है, दूर में है। दैट बीइंग द केस, आइदर प्राइस सेंटर बैंड की तरफ आना चाहिए, नहीं तो प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए, एंड जो मूविंग पीरियड मूविंग एवरेज है वो प्राइस के तरफ मूव करना चाहिए। उसके बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिख रहा है। यूरो डॉलर पे थोड़ा सा डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर। यहाँ पे आप देखोगे कि आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से जीबीपी डॉलर से कैसे डिफरेंट है, जीबीपी डॉलर से काफी ऊपर चला गया है, लेकिन यूरो डॉलर पे डबल टॉप फॉर्मेशन बना रहा है विथ आउटसाइड इनसाइड, मींस बोलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे यूरो डॉलर पे एक हायर प्रोबेबिलिटीज है कि प्राइस में मूव टुवर्ड्स इट्स मूविंग एवरेज, दैट इज 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में 1.0250 के तरफ ये प्राइस रिट्रेस कर सकता है, वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज एक ढूंढने का प्रयास करेंगे। यूरो आयनर में भी सिमिलरली आप देखोगे आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हुआ है, प्राइस सेंटर बैंड से काफी अवे पे है। दैट बीइंग द केस, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि यूरो आयनर का प्राइस कैंडल जो है वो टुवर्ड सेंटर बैंड आना चाहिए, एंड उसका टारगेट होना चाहिए 83.75 से 84.00 की तरफ, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। डॉलर येन में आप देखोगे ये एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से डबल बॉटम फॉर्मेशन से विद प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, करेंटली इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट।
दैट बीइंग द केस यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ आ सकता है। इसको अगर नीचे जाना है तो ये जो बैंड है, सपोर्ट जोन है, इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोज देना चाहिए डॉलर येन को। येन आईएनआर में सिमिलरली एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से हमें देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये 0.5750 से 0.58 के तरफ आता है या नहीं। डॉलर कैंडी में आपका प्राइस 3 दिन फॉल करने के बाद फ्राइडे को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। अभी हमें देखना है कि एट एनी कॉस्ट अगर इसको नीचे की तरफ जाना है, एट एनी कॉस्ट ये 1.35 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज देना नहीं चाहिए। एंड नीचे डाउनवर्ड मूव तभी करेगा जब इसके लो के नीचे 1.3250 के नीचे क्लोज देगा। तो हम एक जो अनदर टारगेट है 1.3125 उसके तरफ मूव कर सकता है। उसके लिए ऊपर इसके 1.35 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड 1.3250 के नीचे डेली बेसिस में क्लोज देना चाहिए। ऑसी डॉलर में यहाँ पर भी आप देखोगे आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से, दैट बीइंग द केस थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेल ऑफ होगा तो ये मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज के तरफ आ सकता है एंड वहां पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसको देख सकते हैं। डॉलर सीएनएच थोड़ा सा खतरा है, खतरे का कारण कोविड रिलेटेड न्यूज एंड रेस्ट्रिक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम चाइना। इसके लिए आपका जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 7.1905, अब ये सेंटर बैंड के जस्ट ऊपर क्लोज दिया है। क्या नेक्स्ट वीक में फर्दर ये डेप्रिशिएट करता है? अगर डेप्रिशिएट करता है तो क्या ये कैंडल आपका इस टाइप का एक क्लोजिंग देता है जो आपका 9 नवंबर के हाई के ऊपर क्लोज देता है? इन सच ए सिनेरियो थोड़ा सा सीएनएच चॉपी एंड वॉलेटाइल बन जाएगा। अगर ये सेंटर बैंड के यहीं से क्लोज दे के नीचे आ जाता है, इन सच ए केस इज ऑफ या कूल ऑफ हो सकता है चाइनीज युआन। यूके ऑयल अभी है 83.80, ये डबल बॉटम फॉर्मेशंस में है, आप देखोगे डबल बॉटम है। एंड ऑल्सो 21 नवंबर का एक पिन बार बनाया हुआ है। ये पिन बार का इम्पोर्टेंस क्या है? ये पिन बार का जो इम्पोर्टेंस है, इसके लो जब तक प्रोटेक्टेड है प्राइस आइदर कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकता है। जैसे ही पिन बार के लो के नीचे क्लोज दे देता है आवरली बेसिस में, तो ये फर्दर और नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी अभी है 3.69, दैट बीइंग द केस यहां पर भी आप देखोगे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हुआ है, सो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस, तो थोड़ा सा ये नेकलाइन यानी 3.82 की तरफ जा सकता है। एट एनी कॉस्ट इस स्विंग हाई के ऊपर आपका ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर ये क्लोज देना नहीं चाहिए। ये क्लोज देगा तो आपका जो कंटिन्यूअस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से वो नेगेट करेगा। इन सच सिनेरियो वोलेटिलिटी एंड चॉपिनेस बढ़ जाएगा। सो ये करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। इफ सो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड